अपने सहयोगी रुपेश कुमार के साथ। आज दुर्गा पूजा का माहौल है और दुर्गा पूजा के माहौल में 9 दिनों में से 6 दिन बीत गया। इन 6 दिनों के उपरांत आज कलश लेकर घूमने की जो प्रथा थी, यानी फण मारने का जो काम होता है, उसके तहत कन्याएं अपने सर पर कलश लेकर नगर का भ्रमण की। इस दौरान अपनी व्यवस्थाओं के तहत नगरों का भ्रमण किया। इन 6 दिनों के उपरांत कमेटी के सदस्यों ने बताया कि किस तरीके से 6 दिन बीतने के बाद हम लोगों ने कलश की स्थापना की और उसके बाद उनमें से 5 कलश एक बड़े गुंबज पर और 3-3 कलश अन्य 2 गुंबजों पर रखा गया। इसके बाद इन्होंने बताया कि प्रशासनिक व्यवस्था हमारे साथ चुस्त पुरुष होंगे। मेले में जो भी आयोजन होगा उसके लिए तमाम व्यवस्थाएं हम कमेटी के लोगों ने कर दिया है। तीन छ पाँच ग्यारह बीत गया। अब माहौल जो है पूजा का हो गया है और माहौल बहुत गमगीन हो गया है। अब ये जो है मेला का रूप लेने जा रहा है, तो आपकी विधि व्यवस्था क्या है? मेरा विधि व्यवस्था है, कमेटी गठित हम लोग किए हैं और प्रशासन भी 3 दिन रहेंगे और एक कमेटी गठित के साथ जो मेला का शुरू किया गया है, उसमें दुकान लगाने का भी अलग अलग से किया गया है, लेडीज का अलग है, जेंट्स का अलग है और प्रशासन भी रहे। कुल आपके कमेटी में कुल कितने मेंबर हैं? 21 है। लोगों की अलग अलग, मतलब कि प्रशाखा होगी, अलग अलग उनका ड्यूटी होगा? बिल्कुल अलग अलग सभी का होगा, ज़्यादा करके नवजुबक। जी सर, आप अपना नाम बताएंगे? सर, आप ये बताने का काम करेंगे कि दुर्गा पूजा के नवरात्रा का 6 दिन बीत गया है, इन 6 दिनों के उपरांत आज का जो कार्यक्रम रहा, हुआ कार्यक्रम क्या था? आज का कार्यक्रम जो था, दुर्गा मंदिर के ऊपर गुंबद का निर्माण हो रहा था और उस पर कलश की स्थापना महत्वपूर्ण था और इसी कड़ी में कलश को लेकर के यहाँ के सभी ग्रामीण भक्तगण भ्रमण किए और भ्रमण के कार्यक्रम से बहुत अच्छा से मूर्त रूप दिए, सफल रहा सभी ग्रामीणों के सहयोग से। हर चुनाव का अगर माहौल जानने के लिए आप चाहते हैं तो मेरे साथ आप बने रहें।